हेलो फ्रेंड्स हम कर रहे थे पार्लियामेंट्री कमेटीज जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक को कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज एंड अदर को कहते हैं अडोप कमेटीज तो जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं इसको भी हम सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहले को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी जिसमें थ्री कमेटीज़ हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आती है एस्टीमेट्स कमेटी आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स आती है नंबर टू पर आती है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो ट्वेंटी फोर हैं इसको हमने लास्ट सेशन में किया था और जो अदर फोर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं हम आज इस सेशन में वो करेंगे तो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं इसको हम सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड अगर हम मेनली डिवाइड करें तो हम अदर स्टैंडिंग कमेटी भी कह सकते हैं जो अदर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं क्योंकि जो हाउस है लोकसभा और राज्यसभा हमारा पार्लियामेंट तो हमारे हाउस की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क कौन करता है जे कमेटीज़ के थ्रू ही होता है कुछ इंक्वायर करना है कुछ रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमने देखना है तो जिस सब कुछ रिपोर्ट्स को एग्जामिन कौन करेगा जे कमेटीज ही करती हैं तो जो फोर डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ हैं हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसमें पहले आती है कमेटीज़ टू इंक्वायर मीनिंग अगर हमने कुछ एग्जामिन करना है कुछ इंक्वायरी करनी है उसके रिगार्डिंग कमेटी बनाई जाती हैं। तो ये कमेटी थ्री टाइप्स की हैं कमेटी ऑन पटिशंस कमेटी ऑफ प्रविलेज एंड थर्ड वन इज एथिक कमेटी तो पहली कमेटी ऑन पटिशन जब भी हम कोई पटिशन फाइल करते हैं उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी होती है तो वो इंक्वायरी किस कमेटी के पास होती है कमेटी ऑन पटिशन तो जो जे कमेटी है मेनली क्या एग्जामिन करती है मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस जो गवर्नमेंट ने नोटिस दिए हैं जो बिल बनाए हैं जो लॉ बनाना चाहती है इसकी रिगार्डिंग जो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के साथ रिलेटेड हैं उनके मैटर्स को एग्जामिन करती है मेनली हमारे पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो जे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर एग्जामिन करती है वो आते हैं यूनियन सब्जेक्ट क्योंकि जो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन है फेडरल सिस्टम है फेडरल में जो सब्जेक्ट्स हैं पावर्स हैं वो सेंट्रल स्टेट में डिवाइड की जाती हैं जो सेंटर के पास होती हैं हम इनको यूनियन सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट कहते हैं जो स्टेट्स के पास होते हैं स्टेट लिस्ट एंड थर्ड में आते हैं कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स जिसमें एंड स्टेट दोनों को पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकते हैं तो यूनियन सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर है कम्युनिटी ऑन पटिशन है वो ही इंक्वायर करती है तो नंबर टू कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेजेस तो हाउस की प्रिविलेज। हाउस के जो मेंबर्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम सी इनकी जो प्रिवलेज है इसके रिगार्डिंग वे कमेटी बनाई गई है जब हमने लोकसभा की मेंबरशिप की थी कॉम्पोजिशन की थी इसमें हमने कहा था जितने भी मेंबर्स हैं इनको प्रविलेज दी जाती हैं तो जो प्रिवलेज दी जाती हैं इनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है तो प्रोटेक्ट कौन करती है कमेटी ऑफ प्रिविलेज तो जो एग्जामिन करती है ब्रीच ऑफ प्रवलेज ऑफ हाउस एंड मेंबर्स किसी ने हाउस की जो मेम्बर्स हैं उनकी प्रिवेलेज को ब्रीच तो नहीं किया अगर ब्रीच किया है तो उनको कौन सी पुनिशमेंट देनी चाहिए उनके अंगेंस्ट कौन से एक्शन लेने चाहिए एप्रोप्रिएट एक्शन हैं वो भी जो कमेटी रिकमेंड करती है तो मेंबर की प्रिवेज हाउस की प्रिवलेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है एंड उसके बाद थर्ड वन है एथिक कमेटी एथिक मीन्स मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स हैं इनको डिफाइन करती है जी मेनली कोड ऑफ कंडक्ट को इनफोर्स करती है क्योंकि हमारा हाउस है हाउस की एक डिग्निटी है इसको मेंटेन करने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं इनको भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा तो इट इन्फोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंटेन डैक्रम इन द हाउस कि हाउस की जो प्रतिष्ठा है इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए तो जी हाउस क्या डैक्रम है इसको भी मेंटेन करती है तो जी होगी कमेटी टू इंक्वायर उसके बाद सेकंड वन आता है कम्युनिटी टू सिक्योरिटीनाइजिंग एंड कंट्रोल तो अब हमने एग्जामिन तो करना है डीपली एग्जामिन करने की ज़रूरत है कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो हमारी लैजस्लेशन है वो कैसी हो रही है तो इसके लिए जो मनीस्टर्स क्या कर रहे हैं इनके रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जाती है तो वो सिक्योरिटिनिटी कैसे की जाती है इसके लिए फर्दर सिक्स कमेटीज बनाई गई हैं जिसमें फ़र्स्ट वन है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस जो गवर्नमेंट अशोर करती है मीनिंग हमारे मिनिस्टर हैं जब भी डिस्कशन होती है जब फिर पब्लिक प्लेस पर जाते हैं हमको कुछ ग्रंटिस देते हैं हमको अश्योरेंस देते हैं कुछ प्रोमिस करते हैं तो उसको एग्जामिन करती है जो मेंबर्स ने मिनिस्टर्स ने कहा है कि हम जहाँ पर कॉलेज बनाएंगे हॉस्पिटल्स बनाएंगे हम रोड्स बनाएंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे तो जो जो एश्योरिटी दी है जो एश्योरेंस दी है वो किस बेस पर दी है तो जी बेस कौन सा है इनके जो अश्योरेंस हैं वो सही तो हैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही हैं तो जी भी कमेटी पूरी तरह से एग्जामिन करती है देन कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन हमारी पार्लियामेंट है पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि जितने भी बिल बनते हैं बिल को एक एक क्लोज को अच्छे से डीपली डिस्कस किया जाए तो जो जो प्रोसेस है लेजिसलेशन की जो लॉ बनाने की प्रोसेस होती है हम इनको लेजिसलेशन कहते हैं तो जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है इसको आगे फर्दर डेलीगेट किया जाता है डेलीगेट होती है टू एग्जैक्टिव अब जो चीज सबोर्डिनेट लेजिशन की कमेटी है ये देखती है कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इनको लेजिलेशन बनाने को कहा था उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही है जो अपने पावर्स को कैसे एक्सरसाइज कर रही है तो कमेटी चीज़ देखती है थर्ड वन इज कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल मीनिंग अब मिनिस्टर्स हैं जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है जो भी कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है पार्लियामेंट पर वो टेबल करते हैं इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट के टेबल पर दी जा रही है क्या वो सही है एकट है कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो नहीं डिफाइन कर रही है तो इसीलिए एक कमेटी बनाई गई है जो भी मनिषय इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में दे रहे हैं जो मेंबर्स को बता रहे हैं वो सभी की सभी सही होनी चाहिए इसके ऊपर भी इंक्वायरी की जाती है इसको भी अच्छे से सिक्योरिटी नीति की जाती है इसके ऊपर भी कंट्रोल करती है नेक्स्ट चीज कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एस सी एंड एस टी जो हमारे देश में एस सी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं इनको भी वेलफेयर की जरूरत है इनको प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी कंट्री में रेस इज़्म है कास्ट इजम है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो तो हम में जो हमारी इनक्वेलिटी है इनक्वालिटी को दूर करने के लिए अगर हम प्रेज दे रहे हैं इक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है तो इसके लिए एक नेशनल कमीशन फोर एस सी एंड एस टी बनाया गया है तो उसकी जो रिपोर्ट है इसको कौन एग्जामिन करता है हमारे पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट में भी क्या है एक कमेटी बनाई गई है तो जो इनके वेलफेयर के लिए क्या काम किया गया है वो रिपोर्ट देखती है अगर इनके लिए कोई लॉ बनाना है इसके लिए भी जो कमेटी ही काम करती है इसी तरह ऑन ऑफ वुमन 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 है woman को कभी इक्वल समझा ही नहीं कहा हमारे देश में वुमन को हमेशा ही पर ही रखा जाता है तो वुमन को एम्पावर करने के लिए उसकी डिग्निटी के लिए उसके स्टेटस को राइज करने के लिए भी एक कमीशन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर द वुमन वो क्या काम कर रहा है इसकी रिपोर्ट को भी देखते हैं एंड लास्ट वन इज ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसका मीनिंग क्या है इसका मीन है कि जो मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं हाउस के मेंबर्स हैं वो किसी भी यूनियन स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के किसी हाई पोस्ट पर नहीं होने चाहिए अगर कोई पोस्ट पर होंगे तो उनको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्योंकि जो इलेक्शन लड़ता है हमारे हाउस में आता है वो किसी गवर्नमेंट के लिए वर्क नहीं कर सकता है वो देश के लिए ही काम करता है इसलिए सेंट्रल स्टेट यूटी के अंडर काम नहीं करेगा तो कोई भी मेम्बर अगर ऐसा काम करता है उसकी तो भी एग्जामिनेशन होनी चाहिए कि वो सही है या गलत है इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है आफ्टर दैट थर्ड वन आता है कमेटीज रिलेटिंग टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस अब हमारा हाउस अच्छे से वर्क करे डेली के डेली काम है एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है तो इसके लिए भी एक कमेटीज बनाई गई हैं इसमें फर्दर फोर कमेटीज़ बनाई गई हैं जिसमें फर्स्ट वन आती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीनिंग जो बिजनेस बिजनेस का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करें हम कमर्शियल प्रोडक्ट को नहीं प्रोड्यूस करें इधर जब भी बिजनेस की बात करते हैं हमारा बिजनेस का मीनिंग होता है कि जो हाउस है जो हाउस का काम कर रहे होते हैं हाउस की जो कार्रवाई है इसको हम बिजनेस वर्ड यूज करते हैं तो जो हाउस का काम है डेली कौन सा काम होना चाहिए कौन से बिल हैं जिनके ऊपर लॉ बनना चाहिए कितनी डिस्कशन करनी चाहिए इन सब के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है जो हाउस को बताती है कि इसको कौन से काम करने हैं कब कर करने हैं कितना टाइम है तो सब कुछ फिक्स कर देती है जैसे मान लो हम अपने घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए हम डिवीज़न कर देते हैं हर एक वर्क की हम अदर मेंबर्स को हर एक, -एक फंक्शन है या फिर एक से ज़्यादा काम है वो डेलीगेट कर देते हैं जिससे हमारे काम अच्छे से हो जाते हैं अगर मान लो कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं हम उसके लिए भी अलग से तैयारी करते हैं तो वो क्या होती है अलग अलग पर्सन को अलग अलग काम देती है लाइक दिस हमारे हाउस में जो काम कमेटिस करती हैं, डेली का डेली का काम करने के लिए कमेटी से बनाई जाती हैं, देन कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है जितने भी मान लो हमारी लोकसभा है लोकसभा में क्या है 545 मेंबर्स तो सभी के सभी एम हैं जो एम क्या मिनिस्टर बनते हैं नहीं अप्रोक्सीमेट सिक्सटी सेवेंटी फिर एटी तक मान लो सेवेंटी वो क्या हैं मिनिस्टर हैं अगर सेवेंटी एम पी मिनिस्टर हैं तो जो रिमेनिंग है वो क्या है अदर एम हैं तो जो सेवेंटी मिनिस्टर्स कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनको क्या कहते हैं पब्लिक बिल एंड अब जो अदर मेंबर्स हैं मेंबर्स मेंबर्स क्या करेंगे? अगर बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते वो कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं वो बिल लेकर आते हैं रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर भी कमेटी बनाई जाती है जो पूरी तरह से एग्जामिन करती है फिर बताती है इसको कब इंट्रोड्यूस करना है देन रूल्स कमेटी तो रूल्स कमेटी क्या होगी हमारा हाउस की वर्किंग है इसके रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए रूल्स रेगुलेशन कैसे होने चाहिए अगर टाइम चेंज हो रहा है सर्कमस्टांसिस और हमको नए रूल्स बनाने की जरूरत है पुराने आउटडेटेड हो गए हैं इनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है इसके लिए कौन रिकमेंड करेगा कौन सजेशन देगा इसके लिए रूल्स कमेटी बनाई गई है एंड नेक्स्ट इज कमेटी ऑन एबसेंस ऑफ मेम्बर्स जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के मीनिंग जो एम हैं वो एबसेंट रहते हैं तो कितने दिन एबसेंट रहते हैं उनको कौन देखेगा जो मेंबर्स हैं इन्होंने लीव ली है या नहीं ली है अगर वो एब्सेंट है अगर कोई 60 डे से ज्यादा एब्सेंट होता है विदाउट लीव तो उसके लिए भी बीजे एग्जामिन करती है तो इसके लिए एक्शन रिकमेंड करती है तो जितने भी मेंबर्स एब्सेंट होते हैं उनकी पूरी डिटेल इस कमेटी के पास होती है तो ये होगी थर्ड कमेटी एंड फोर्थ जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है हाउस कीपिंग कमेटीज मीनिंग हाउस कीपिंग जैसे हमारी असिस्टेंट सर्विसेज हैं उसके लिए हमको असिस्टेंस की जरूरत होती है वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए हमको असिस्टेंस की सर्विसेज की जरूरत है लाइक like दिस हमारे हाउस को भी हाउस कीपिंग सर्विसेज की जरूरत है इसके लिए हाउस कीपिंग कमेटिस हैं वो फॉर्म की गई हैं इसमें पहले आता है जनरल पर्पज कमेटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें मेंबर्स कौन से होते हैं जो स्पीकर्स होते हैं डिप्टी स्पीकर्स होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो इस कमेटी में आते हैं जैसे अपोजिशन पार्टी के लीडर हो गए या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो गए वो जनरल पर्पज कमेटी में आते हैं तो इसका काम क्या है जो भी हमने एक्शन लेने हैं कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है या फिर कुछ एग्जामिन करना है इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बना दिया गया मान लो कोई नया मैटर है इसके लिए क्या किया जाएगा इसके लिए जनरल पर्पज मैटर है जो भी मैटर किसी की जो डिक्शन में नहीं आता है उसको सोल्व कौन करता है जनरल पर्पज कमेटी ही करती है नेक्स्ट इज हाउस कमेटी अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है इसमें मेंबर्स आए हैं उनके अकोमोडेशन के लिए फूड के लिए अरेंजमेंट कौन करेगा तो उसके लिए हाउस कमेटी बनाई जाती है जो सबको डिफाइन करती है कहाँ पर रहना है उसके अकोमोडेशन फूड जब इससे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनको मैनेज करती है लाइब्रेरी कमेटी हमारे पार्लियामेंट की बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें हमारा हाथों से लिखवाया हुआ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपी भी पड़ी है तो लाइब्रेरी सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक्स हैं तो लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई है जो लाइब्रेरी को मैनेज करती है मेंबर्स को असिस्ट करती है टू यूज़ द लाइब्रेरी एंड लास्ट वन इज जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसिस ऑफ द मेंबर्स जो मेंबर्स हैं हाउस के लोकसभा और राज्यसभा के इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए इनके अलाउंसेस कितने होना चाहिए इनके इंक्रीमेंट कैसे इंक्रीज होना चाहिए जो कुछ भी रिकमेंड करना है इसके लिए कमेटी बनाई गई है तो इस तरह हमारे हाउस का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है जो कमेटीज ही करती हैं तो कमेटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके थ्रू हमारा हाउस की वर्किंग चलती है तो इस तरह आज हमने इस सेशन में जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं इसको कंप्लीट किया होप कि आपको जो सेशन अच्छे लगे होंगे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टल कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर यूअर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड हैव नाइस डे